Hello <laughs>

कर दिया था तो ये आप लगा लीजिए मैंने ओवर नाइट सोक किया था आप इसे सिक्स टू सेवन आवर्स सोक जरूर करें उससे इसकी कुकिंग में बहुत हेल्प मिलती है उसके पहले इसे बहुत अच्छे से वॉश कर लें और ये देखिए ये बहुत अच्छे से सोक हो चुका है तो हम इसका वाटर निकाल लेंगे पहले और वाटर जो इसका है उसका आप इसी को बनाने में यूज़ करेंगे और इसमें जो है डबल पानी इसमें डालते हैं इसको बनाने के लिए तो मैंने इसका पानी निकाल लिया है तो ये देखिए कितना खिला खिला हो गया है सूखो होने के बाद ही तो अब हम एक पैन में इसको डाल देंगे और साथ में ही इसमें डालेंगे दो कप पानी डेढ़ कप पानी इसमें से निकला था स्ट्रेन करने के बाद और आधा कप पानी और मिला के तो मैं इसमें डाल दूंगी दो कप पानी और इसको बनाना बहुत ही आसान होता है आप किसी भी मिलेट को इस तरीके से बना सकते हैं प्रेशर कुक बिल्कुल मत कीजिएगा उससे इसकी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं तो इस तरीके से आप इसे पैन में ही बनाए तो यहाँ पे मैं इसमें पानी दो कप डाल दिया है और साथ में ही एक चम्मच ऑयल डाल दिया है जो भी आपके घर में कुकिंग ऑयल हो वो डाल दें साथ में सॉल्ट डाल दें आप देसी घी भी डाल सकते हैं इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें 15 से 20 मिनट लग जाते हैं इसको ऑलमोस्ट कुक होते लो मीडियम गैस पर तो ये देखिए ये कुक हो चुका है तो इसको अभी हम स्टीम में ही गैस बंद करके पाँच मिनट के लिए और छोड़ देंगे तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ तो ये देखिए ये कितना किला किला बना है ये बिल्कुल भी आ, मशी नहीं बनता है अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो इस तरीके से ये किला किला बनता है और इसे आप दिन में दो बार खाएं डायबिटीज़ वाले तो आपकी डिज़ीज़ भी रिवर्स हो सकती है डायबिटीज़ कंट्रोल होती है तो मैं इसे इस तरीके से खाती हूँ और ये मेरे पास दाल पालक बना हुआ था साथ में ही ये बेसन वाली मिर्च बनी हुई थी तो इससे इसको इस तरीके से खाएंगे तो आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगा और साथ में ही आपको मिलेट से बहुत सारा प्यार होने वाला है तो इसे ज़रूर खाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा